हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी के यहाँ पर स्वागत है मेरे चैनल व्हाट्स न्यू पे। सो फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए एक MIUI का पोर्ट लाया हूँ, MIUI की कस्टम रोम लाया हूँ। आज का जो पोर्ट हमारा है वो है MIUI Pi, यानी कि ये दोस्तों इस पर आपको MIUI 10 मिल जाएगा, उसी के साथ दोस्तों एंड्रॉयड पाई भी मिल जाएगा। उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सा मोबाइल है, बस आपका जो मोबाइल है उस पर ट्रिबल सपोर्ट होना चाहिए तो आप इस रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये MI Max 3 से पोर्ट की गई है और इस पर आपको लेटेस्ट बीटा वर्जन MIUI 10 का मिल जाता है। दोस्तों इसमें कई सारे बग्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि सबसे पहला मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। दोस्तों यहां पर सबसे पहले तो वोल्टी का सवाल है, तो वोल्टी हमारा वर्क कर रहा है। यहां पर मैं आपको कॉल लगा के भी दिखा देता हूं, सभी डिवाइस पे ये वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा वो मुझे पता नहीं। यहां पर मेरे पास Redmi Note 5 Pro है, यानी कि वायरेड, उस पर ये वर्क कर रहा है। उसके बाद दोस्तों हमारा कैमरा है वो चल रहा है, पर वीडियो रिकॉर्डिंग है वो नहीं हो रहा है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो क्विक पैनल है वो पूरा ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें कोई भी ब्राइटनेस का इशू नहीं फेस हो रहा है, पर यहाँ पर हमारा जो डेटा कनेक्शन है वो ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर वाईफाई वर्क कर रहा है, पर और कुछ भी जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो भाई जब भी हम कोई भी ऐप ओपन करके रिसेंट ऐप ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो भी ऐप ओपन होता है वो अपने आप ही क्लीन हो जाता है। ये दोस्तों इस रोम का बग है। और उसी के साथ दोस्तों अगर आपके पास 80:9 डिवाइस है, यानी कि वर्चुअल बटन उसमें आते हैं, तो वर्चुअल बटन भी वर्क नहीं करेंगे, यानी कि होम की और रिसेंट की वर्क नहीं कर रहे इस पर। उसके बाद दोस्तों अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ इस रोम को आप किससे अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों MIUI Pi की जो रोम फाइल है उसको आपने डाउनलोड करने कर लेना है, उसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और उसी के साथ दोस्तों इस फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऐसा फोल्डर बन जाएगा, तो उस फोल्डर को आपने TWRP का जो बैक फोल्डर होता है उसके अंदर मूव कर देना है। और उसी के साथ दोस्तों एक पेज फाइल की भी लिंक आपको मिल जाएगी, जो कि MIUI Pi की पेज फाइल है, उसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। तो इस दोनों फाइलों को आपने डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। सबसे पहले हमारी रोम की फाइल और ये पेज की फाइल, बस दोस्तों हमें दो ही फाइल डाउनलोड करनी है। अब हम हमारा जो मोबाइल है उसको हमने रिबूट टू रिकवरी कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप कोई से भी ट्रिबल सपोर्टेड रिकवरी यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल के लिए। अगर दोस्तों आपके पास नॉर्मल TWRP है तो उस पर ये वर्क नहीं करेगा दोस्तों। तो भाई यहाँ पर मैं ट्रिबल रिकवरी ऑरेंज फॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों अब हमें क्या करना है, वाइप करना है सब कुछ, सिस्टम को वाइप करना है, डेटा को वाइप करना है, कैच फाइल को वाइप करना है, वेंडर फाइल को वाइप करना है। इन सभी पार्टीशन को वाइप करने के बाद दोस्तों अभी हमें क्या करना है, उसके बाद दोस्तों कोई सी भी एंड्रॉयड पाई की रोम आपको इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे कि अगर आपके पास Redmi 3S है या फिर Redmi Note 4 है या फिर कोई भी MI का या फिर कोई भी मोबाइल है, उस पर आपको अपने मोबाइल के सपोर्टेड ट्रिबल रोम यानी कोई भी एंड्रॉयड पाई वाली रोम है उसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों मैं अपने मोबाइल पे पिक्सल एक्सपीरियंस को एज अ ट्रिबल रोम यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए हमें कोई भी एंड्रॉयड पाई का वेंडर चाहिए होगा। तो दोस्तों हमारी जो ट्रिबल सपोर्टेड रोम है एंड्रॉयड पाई वो अभी इंस्टॉल हो गई है। अभी दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से डेलविक सिस्टम डेटा और कैच को वाइप कर देना है। दोस्तों इस पर हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो वेंडर पार्टीशन है उसको हमने वाइप नहीं करना है। ये सब वाइप हो जाने के बाद अभी हमें हमारी जो MIUI Pi की जो रोम है उसको हमने यहाँ से रिस्टॉल करना है, उसका जो बैकअप है उसको रिस्टॉल कर देना है। तो उसके लिए आपको रिस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों सिस्टम फाइल है, सिस्टम का आपको पार्टीशन दिख जाएगा, सिर्फ आपको सिस्टम पार्टीशन है उसको ही रिस्टॉल करना है। तो ये हमारी जो सिस्टम है MIUI Pi वो भी रिस्टॉल हो रही है, तो इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो अभी हमारी जो एंड्रॉयड पाई MIUI है वो भी रिस्टॉल हो गई है। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, माउंट करना है वेंडर पार्टीशन को, आपने माउंट कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमने जो पेज फाइल डाउनलोड की थी MIUI की उसको आपने यहाँ से इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी एरर फेस हो रही है, जैसे कि आपका बैकअप रिस्टॉल नहीं हो रहा, तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका वेंडर है वो माउंट है या फिर नहीं है। अगर दोस्तों नहीं है तो उसको आप माउंट कर दीजिए, फिर इसको ट्राई कर लीजिएगा, आपका ये सब हो जाएगा। अभी दोस्तों आपको सिस्टम को जो है वो माउंट करना है। उसके बाद दोस्तों फाइल मैनेजर पर जाना है, उसके बाद दोस्तों सिस्टम में जाना है आपने। उसके बाद दोस्तों आपको प्राइवेट ऐप का एक फोल्डर मिल जाएगा, प्री ऐप करके उसमें जाना है, और प्रोविजन का आपको फोल्डर दिख जाएगा उसको आपने डिलीट कर देना है।
यहाँ पर प्रोविजन का आपको एक फोल्डर दिख जाएगा, उसके अंदर जाके यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देना है इसको, ताकि हमारा जो सेटअप है MIUI का वो कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगा इससे। तो दोस्तों ये रोम जो है वो जल्दी ही बूट हो जाएगा, आपको सिर्फ जो है वो वेट करना है। 10 मिनट के बाद भी अगर ये बूट नहीं हो रहा, यहाँ पर एंड्रॉयड का एनिमेशन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि आपने इस रोम को ठीक तरह से जो है वो इंस्टॉल नहीं किया, या फिर आपका जो मोबाइल है वो बूट लूप में चला गया है। तो आपको दूसरे वेंडर पे इस रोम को ट्राई करना है, तो ज़रूर से ये रोम जो है वो बूट हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं मेरे मोबाइल पे आसानी से ये रोम जो है वो इंस्टॉल हो गई है। अगर दोस्तों आपके मोबाइल पे ये रोम इंस्टॉल नहीं हो रही है, ये GSI इमेज जो है वर्क नहीं कर रही है, तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी जो कॉन्टैक्ट इन्फो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और उसी के साथ दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मिल जाएंगी। उसमें आपको इसी तरह से कोई भी नए पोर्ट आए या फिर कोई भी कस्टम रोम आती है तो उसकी लिंक आपको डायरेक्टली वहाँ पर मिल जाती है, तो आप उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना।